स्वागत है आपका हमारे शो फिट इंडिया में। इस समय हम नजफगढ़ के उजवा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया बेंच प्रेस डेडलिफ्ट कंपटीशन चल रहा है। हम हमेशा से ही यह चाहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें। नेशन लाइफ की हमेशा से ही ये कोशिश रहती है और ये एक अच्छी मुहिम है जो लोगों को स्वास्थ्य से लेकर आगे प्रोत्साहित कर रही है। आगे आज हम बात करेंगे यहाँ के ऑर्गेनाइजर से, यहाँ पे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, और यहाँ के कुछ कंटेस्टेंट से। बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर, या फिर कॉल करें 8010072। शो के ऑर्गेनाइजर से और गुरुजी जो काफी लंबे समय से फिटनेस से जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे शो फिट इंडिया में। थैंक यू। सर थोड़ा बताइए कि ये जो इवेंट यहाँ पे हो रहा है इसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। ये ऑल इंडिया लेवल का बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट की टूर्नामेंट हो रही है और भीड़ आप देख रहे हैं, जैसे क्रेज है बच्चों में। ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है युवाओं के लिए, और जो इस साइड पे आ जाता है वो फिर दूसरे रास्ते में नहीं भटकता। नहीं तो आजकल बहुत ही माहौल ख़राब है, और युवा देश का मजबूत रहेगा तो देश भी मजबूत होगा। और सभी को हमारा यही कहना होता है कि कृपया कोई भी गेम, वैसे तो जो वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग है ये हर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बेसिक एक्सरसाइज जरूर करना पड़ता है उनको, लेकिन जो भी इंटरेस्ट हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, हर एक को खेलना चाहिए। माँ बाप से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया बच्चों को इस लाइन में डालें। पहले कहावत होती थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन नवाब अब नजफगढ़ वीरेंद्र सहवाग सबने नाम सुना हुआ है, तो खेल की देन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले वाली कहावत अभी लागू नहीं होती है, अभी बहुत ज़रूरी है गेम करना। सर जिस इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं बच्चों में किस तरह का मोटिवेशन लाते हैं वो थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। मोटिवेशन यहाँ 14 साल के बच्चे भी आए हुए हैं कहीं, जिसको देख के वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा संदेश है। सर थोड़ा बताइए इस इवेंट के बारे में, क्या मोटिवेशन आप दर्शकों को दे रहे हैं, युवाओं को दे रहे हैं इस इवेंट के थ्रू? ये सबसे पहले तो मैं टीना मैम को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा जिन्होंने ये शो ऑर्गेनाइज करा है, और नजफगढ़ के इस गांव में यहाँ पर बहुत सारे एथलीट्स हैं, ऑल ओवर इंडिया के जितने अच्छे एथलीट्स हैं यहीं से उभरते हैं, और उन्होंने स्टेप लिया है एक फ़ीमेल होते हुए इतना अच्छा शो ऑर्गेनाइज करा है यहाँ पर, ये बहुत बड़ी बात है। ये सबके बस की बात भी नहीं है, उन्होंने जो शो करा बहुत बढ़िया शो है, और युवाओं के लिए और फीमेल्स के लिए मेन बहुत अच्छा मोटिवेशन है। सर बेसिकली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जेंट्स के साथ फीमेल्स भी काफ़ी अच्छे लेवल पे यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। वैसे आमतौर पे कम देखने को ऐसे देखने को मिलता है कि फीमेल्स कम है और मेल्स ज़्यादा है, लेकिन यहाँ बराबर की संख्या देखने को मिल रही है। सो किस तरह का ये इनिशिएटिव है? ये सबसे मेन तो वही है मैंने आपको बताया टीना मैम के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान में किसी फीमेल एथलीट ने कदम नहीं उठाया है। ये मेरे ख्याल से शायद पहली एथलीट है जिन्होंने फीमेल्स के लिए कुछ करा है, और अभी आपको पता है वुमेन पावर पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो रहा है, तो उनको देखकर उनसे मोटिवेशन होकर शायद वो आई हैं। और इस तरह के इवेंट से क्या मोटिवेशन ज़्यादा दर्शकों को? भाई इससे यही मेन मोटिवेशन है कि जितना युवा आजकल गलत राहों पे जा रहे हैं वो राहें छोड़कर किसी न किसी स्पोर्ट्स में जुड़े, सबसे मेन यही मोटिवेशन देगी सब एथलीट्स के लिए, सब युवाओं के लिए। थैंक यू सर। तीनों मैम से बात करेंगे हम जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं। मैम सबसे पहले ये बताइए, इवेंट ऑर्गेनाइज किया आपने, क्या सोच थी और क्या आपने इनिशिएटिव स्टेप्स लिए थे स्टार्ट करने? मेरी सोच ये थी कि मैं तो इस मेरे यहाँ एक ढांसा गांव है, वहाँ से हूँ मैं। मेरी सोच ये थी कि औरतों को बंदिशों में ना रखा जाए और लड़कियों को, ठीक है, सिर्फ उनको ही पाबंदियों से खोलने के लिए मैंने ये गेम ऑर्गेनाइज कराया कि भाई लोगों की सोच बदले। लोगों की सोच है कि सिर्फ औरतें इसलिए हैं, यहाँ के लोगों की ये सोच है औरतें इसलिए घर में रोटी बनाओ, बर्तन मांजो, पोछा झाड़ू करो, बच्चे पालो, दैट्स इट। लेकिन उन लोगों की सोच को बदलने के लिए मैंने ये कदम उठाया और यहाँ पे कंपटीशन रखा। मैम ये बताइए, जैसे कि आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, अब ये कैसे चलता रहेगा आगे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, आगे क्या प्रोग्राम है? आगे अभी देखते हैं, ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली हुआ तो आगे भी हम शायद 6 महीने बाद फिर प्रोग्राम करेंगे, एक बार और चैम्पियनशिप रखेंगे। लेकिन लोगों ने इस चैम्पियनशिप को ख़राब करने की बहुत कोशिशें करी। कल रात को हमारी लोकेशन कुछ और थी, लेकिन कुछ लोगों की बदतमीजी से वहाँ पर बिगाड़ कर दिया,
लेकिन वो उस चीज में सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमने लोकेशन ही चेंज कर दी। बहुत बढ़िया। अब मैम ये बताइए, जैसे कि अभी यहाँ पे जेंट्स भी हैं, लेडीज भी हैं जो कंपटीशन पार्टिसिपेट कर रही हैं, आगे के अगर आप जब कंपटीशन कराएंगे क्या उसमें बच्चे भी इंगेज होंगे? बच्चे भी आ सकते हैं, इसमें भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है बच्चे नहीं है, सब जूनियर कैटेगरी है उसमें बच्चे हैं। अब मैम थोड़ा सा एक वो दे दीजिए हमारे दर्शकों को, मोटिवेशन दे दीजिए कि कैसे वो मतलब इस तरह के इवेंट्स जुड़ सके और कैसे फिट रह सके। जिम में जाओ, प्रैक्टिस करो, डेडलिफ्ट खेलो, बेंच प्रेस, स्क्वाट, तीनों चीज़ें होती हैं हमारी पावर लिफ्टिंग में। इसमें ये भी है स्कूल के लिए, स्कूल नेशनल होता है उसमें बच्चों को गवर्नमेंट जो होती है ना वो पैसा देती है, स्कूल नेशनल होता है, स्कूल नेशनल के लिए फिर आगे भी वर्ल्ड के लिए जाते हैं, एशिया के लिए जाते हैं, यहाँ से भी सिलेक्शन होता है, नेशनल होता है, पहले स्टेट होता है हमारा, फिर नेशनल होता है, एशिया होता है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप होती है, अलग अलग होती है। अभी लास्ट ईयर इन्होंने करवाया था रेनबो क्लासिक सर ने, और बहुत अच्छा रेनबो क्लासिक हुआ था, उसमें लाखों की उसमें बच्चे आए थे, बॉडी बिल्डिंग कराया था, पावर लिफ्टिंग कराए थे, कितने गेम थे हमारे स्ट्रॉन्ग मैन थे, 6 गेम कराए थे और बच्चे सब लोग बहुत खुश हो गए, बहुत बिग कैश प्राइज बांटा था वहाँ पे। मैम इस इवेंट के लिए कहाँ कहाँ से आपको सपोर्टिंग हैंड्स मिले? सबसे पहले तो मुझे विक्रांत भाई ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है, सबसे पहले मुकेश गहलोत सर है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, हमारे पूरन जी, पूरन गुरु जी उन्होंने सपोर्ट करा, मसल माउंटेन है और ये एल्पिनो पीनट बटर है और ये खुराक है, सब लोगों ने मेरे को मतलब इन लोगों ने वो करा है, स्पॉन्सर करा है। बिल्कुल मैम, आगे भी आप ऐसे इवेंट करते रहें, हम आपके लिए विश करते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। इवेंट के सपोर्टर्स भी हैं जो इस पे कोऑर्डिनेशन दे रहे हैं, साथ में जुड़ रहे हैं, सो मैं हमसे बात करेंगे। सर स्वागत है आपका। सर थोड़ा बताइए इवेंट के बारे में, क्या क्या अभी आपने जैसे कुछ अवार्ड्स आपको मिले, क्या अवार्ड थे सर? जैसे मेरा नाम बलराज सिंह है और जो दोनों गेम में बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग, ठीक है, और PHN जो इसको लॉन्च कर रहा है, ठीक है, उसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, ठीक है, उसके लिए मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर लाया गया है, ठीक है, जो कि मिस्टर इंडिया और वर्ल्ड में गोल्ड मेडल मैं खुद ले चुका हूँ, यहाँ के मुझे अच्छा लगा, गेम बहुत ही अच्छा चल रहा है। और सर थोड़ा सा इवेंट के बारे में बताइए कि इस तरह के इवेंट से क्या मोटिवेशन जाता, क्या मैसेज जाता दर्शकों तक? नए बच्चों के लिए अच्छा है, एक अच्छी जो शुरुआत होती है, ये छोटे छोटे कंपटीशन होते हैं, इनसे बड़े लेवल पे जाने का मौका मिलता है, क्योंकि छोटे से ही बड़ा बनाता है। बट और सर यहाँ पे किस किस तरह के कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, क्या क्या होता है? इस पर बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट है, ये दो गेम यहाँ से हो रहे हैं, इसमें जो मेडल मारेंगे उनको प्राइज मिलेगा अच्छा, और आगे जाने की एक रोड मैप मिल जाता आगे निकलने के लिए। और दर्शकों से थोड़ा बताइए कि वो कैसे मतलब इस तरह की फिटनेस सेगमेंट जुड़ सकते हैं, कैसे इवेंट को फेस कर सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं? उसके लिए एक तो अपनी फिटनेस पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, और डाइट और वर्कआउट अच्छा करके अपने इस कंपटीशन के लिए तैयारी करनी पड़ती है, उससे ही आगे जाके अपने कोच के जो बोलते हैं उसको बिल्कुल गाइड करके चलना है, अपने एक तरफ ही चलना पड़ता है इसको। सर थोड़ा इस इवेंट के बारे में बताइए। भाई मेरा नाम प्रीतम है और मैं PSN का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, जैसे भाई ने बताया कि यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर के उससे हम आए थे और मैं प्रॉपर नजरगढ़ का रहने वाला हूँ, और यहाँ टीना ने हमें इनवाइट किया है, टीना कौशिक ने, उन्होंने कहा कि अभी हम बेंच प्रेस ऑल इंडिया बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि अभी ये लास्ट डे वो ख़राब हो गया था कि किसी ने लापरवाही कर दी थी, हालांकि ये सुधार दिया गया है, देखते हैं इससे आगे क्या रहता है रिस्पॉन्स। और सर जो भी फिटनेस सेगमेंट से जुड़े हुए लोग होते हैं उनके लिए इस तरह के इवेंट से क्या मैसेज जाता है? एक तो सबसे बड़ी बात है आजकल के युवा अवस्था में क्या है, नशे पते की आदत लग जाती है, बहुत जल्दी लग जाती है, 18-20 प्लस होती है, तो इससे क्या है, एक तो उनका माइंड शार्प रहेगा और अपना तो कहना यही है कि खाओ पियो मौज मस्ती करो, देसी खाना अपने देसी रहना। और यहाँ पे जो भी कॉम्पिटिशन है कि यहाँ बेंच प्रेस है, डेड लिफ्ट है, इस तरह के यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, उसमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? कुछ नहीं है, अपनी नॉर्मली डाइट होती है, नॉर्मली खाना, देखो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो हर आदमी को होती है, हाँ, चाहे वो देसी खाने से करो चाहे अपने नॉर्मल सप्लीमेंट से करो, पर उससे आगे। और इस तरह के इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है और कैसे ये ऑर्गेनाइज किया जाता है?
मेन तो जगह की लोकेशन की प्रॉब्लम आ रही है आजकल के फेस को, और एक ट्रैफिक का थोड़ा रोला है कि लोगों, जैसे अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले ट्रैफिक कहीं भी गाड़ी कहीं भी पार्क करती, लोगों को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। ओके सर, धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए। बात करते हैं यहाँ के कुछ कंटेस्टेंट की। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम चेष्टा शर्मा है। चेष्टा जी, कितने समय से इस कॉम्पिटिशन को प्रैक्टिस कॉम्पिटिशन में आने के लिए आपने कितने समय से तैयारी किया? मैम वैसे तो हम प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से कर रहे थे, बट जब से हमें कॉम्पिटिशन के बारे में पता चला, लाइक 3-4 महीने पहले हमें पता चल गया था कॉम्पिटिशन के लिए, तो हम जब से इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। काफ़ी अच्छे लेवल का कॉम्पिटिशन से देखे हैं आप, अच्छे अच्छे नेशनल लेवल के पावर लिफ्टर्स हैं यहाँ पर, हमारे सीनियर्स हैं, उनसे भी काफ़ी कुछ लर्निंग के लिए मिला है। कितने कॉम्पिटिशन खेल चुकी हैं आप? मैम अभी मुझे स्टार्टिंग हुई है, लाइक 6-7 महीने हुए हैं, तो ये मेरा फोर्थ कॉम्पिटिशन है आपका। और इस टाइम पे आप मतलब यहाँ पे अभी आप कॉम्पिटिशन के लिए आई हैं ना? Yes. तो कॉम्पिटिशन खेल चुके हैं आप? नहीं, अभी मेरा आने वाला है, नंबर आने वाला है। ओके किस तरीके का माहौल है, और जिस तरीके से आप एक लड़की हैं, लड़की के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसी चीज़ों में भाग लेना, इससे पहले कभी कोई दिक्कत आई आपको, ऐसा लगा किसी ने कि आपको इस चीज़ से पीछे हट जाना चाहिए या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए? मैम लाइफ में डिमोटिवेशन तो बहुत आते हैं, अलग अलग कंडीशंस में आते हैं, बट ऐसा इस फील्ड में कुछ नहीं है कि हम डीमोटिवेट इस फील्ड से हुए। हमेशा जो हमारे सीनियर्स हैं, श्रेया मैम है, ये तो हमें बहुत मोटिवेट करती हैं, मतलब पर्सनली भी हमसे कांटेक्ट करती है कि आप आओ, ये कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। किस तरीके की डाइट, मेरा आखिरी सवाल होगा, किस तरीके की डाइट लेती हैं आप अपनी मेंटेन रखने के लिए? मैम ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। तो एक लास्ट मैसेज दे दीजिए हमारे दर्शकों को कि हेल्थ से कैसे वो फिट रह सकते हैं और अपना स्वास्थ्य का किस तरीके से वो ध्यान रख सकते हैं। मैम कुछ नहीं, बस प्रॉपरली अपनी डाइट पे ध्यान दें, अपना वेट मैनेजमेंट रखें, ज़्यादा फैट नहीं बढ़ाएं, तो वो ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेंगे, और थोड़ी एक्सरसाइज करें, और कुछ नहीं चाहिए। अगर उन्हें यंग रहना है लंबे समय तक तो बस यही है और कुछ नहीं। ओके, अपना कीमती समय देने के लिए मैम बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैम जैसे आप यहाँ इवेंट पे आई हैं नजफगढ़ में, तो आपको कब पता लगा यहाँ इवेंट कब हो रहा है, और इवेंट में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपने क्या क्या तैयारी की है, थोड़ा बताइए हमारे। एक हफ्ता पहले पता चला मुझे, और कॉम्पिटिशन के बारे में, और डाइट भी कर रही हूँ। किस किस तरह की आप डाइट लेती हैं, क्या क्या खाने में, क्या क्या? जैसे मीट, मछली, अंडा, प्रोटीन वगैरह ये सब लेते हैं। कंपटीशन के बारे थोड़ा बताइए यहाँ के बारे। कंपटीशन के बारे में एक हफ्ता पहले मुझे पता चला। कैसा लग रहा है आपको यहाँ कंपटीशन लड़के? अच्छा लगा। अच्छा, और क्या क्या आपने अपने गुरु से सीखा है? गुरु ने मुझे F2 जिम से, गुरु जी का नाम है दीपक सर, दीपक गुजोर है, और उन्होंने मुझे मतलब इस लाइन में डाला है, सिखाया है। हिमांशी जी, आपने अभी स्ट्रॉन्ग वीमन का खिताब जीता है, बेंच प्रेस में जीता है आपने, सो दिल्ली इस इवेंट के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, और जो आपने खिताब जीता है उसके बारे में कुछ बताइए, और तैयारी क्या क्या रही है आपकी? सर ये इवेंट जैसे श्रेया मैम करा रही हैं, बहुत ही अच्छा इवेंट है, जैसे ओवरऑल जैसे दिल्ली स्टेट वगैरह होते हैं उनसे इन्होंने काफ़ी बेस्ट कंपटीशन अभी करवाया है, और अभी रिसेंटली दिल्ली स्टेट बेंच प्रेस कंपटीशन हुआ था, तो जो पावर लिफ्टिंग से ये PI से एफिलेटेड है, तो उसमें हम लोगों ने अभी, मैंने रिसेंटली, ये मेरा सेकेंड कॉम्पिटिशन था जिसमें मैंने गोल्ड अचीव किया इन जूनियर कैटेगरी, एंड जूनियर कैटेगरी दिल्ली स्टेट 2020 का स्ट्रॉन्ग वेमेन का टाइटल भी अचीव किया। फिट इंडिया प्रोग्राम लोगों को अवेयर कर रहा है कि कैसे आप फिट रहें, आप काफ़ी फिट हैं, थोड़ा सा संदेश दीजिए हमारे दर्शकों को कि कैसे फिट रहना चाहिए, और थोड़ा इवेंट के बारे में बताइए। इवेंट तो सारे लोग सब बढ़िया करवाते हैं, हम IP से खेलते हैं, PI से, तो हम दोनों साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो अभी ये स्ट्रॉन्ग वुमेन बनी है बेंच के अंदर, और मैं सिर्फ बेंच ही खेलता हूँ, बाकी इवेंट तो सारे ही बढ़िया कराते हैं, और कॉम्पिटिशन कोई बुरा नहीं होता, सब कंपटीशन, प्लेयर भी बुरे नहीं होते जो भी खेलते हैं। मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स लाइन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसका सहयोग रहेगा बच्चों का, उतना बढ़िया रहेगा देश के लिए। मैम एक आप आखिरी संदेश फीमेल्स को दे दीजिए कि कैसे वो फिट रह सकती हैं और कैसे इस तरह के इवेंट्स जुड़ सकती हैं। सर जस्ट ये है कि अपने गोल्स पे उनको फोकस करना चाहिए, जो वो अचीव करना चाहते हैं उस पे वो फोकस करेंगी तो डेफिनेटली वो जैसे कुछ भी बनना चाहते हैं लाइफ में तो वो अचीव कर सकते हैं।
देखने को मिली है इस कॉम्पिटिशन में? देखो मैं तो रेसलर हूँ, मैं टीना शर्मा, ये अब जो करा रही है यहाँ का ओरिजिनल है, तो अच्छा बंदोबस्त है, बढ़िया फार्म है, लोगों को जो नए जिम कर रहे हैं, जो पावर लिफ्टिंग गेम कर रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है एक अपना खिताब जीतने का, और ऐसे कंपटीशन सब जगह होंगे तो और बच्चे, ज़्यादा बच्चे मेहनत करेंगे, जिम करेंगे, जो भी गेम करेंगे, तो अच्छी बात है और अच्छा लगता है जहाँ भी हम जाते हैं, क्योंकि हम भी गेम करते हैं, इसलिए ऐसे गेम में जाने में सही अच्छा लगता है। कुछ अपने बारे में बताइए, किस तरीके के कॉम्पिटिशन्स में आप भाग ले चुके हैं और किस तरीके का आप क्या चीज़ें करते हैं? मैं रेसलर हूँ, प्रो रेसलर हूँ, कौन है तुम्हें मेडल हूँ, एशियन चैम्पियनशिप में मेडल है मेरा, और भारत केसरी हूँ 29 बार, तो मेरा गेम अलग है, उनमें अलग वो है। जिस तरीके से लोग जो है वो बाहर के खाने की ओर ज्यादा मूव ऑन कर रहे हैं अच्छा खाना खाने के बजाय, तो आप हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके की डाइट लीजिए और अपने आप को कैसे हेल्दी रखिए, मेंटेन रखिए? अच्छा खाना घर का खाना होता, जो अपना घर का खाना उससे बढ़िया कोई खाना नहीं होता, घी दूध और अपना देसी हरियाणा में तो यही होता है सबसे ज्यादा, ठीक है यही खाओ और मेहनत करो, इसी से सब कुछ हो जाएगा। जो आजकल सप्लीमेंट वगैरह डॉक्टर ये चल रहे हैं, इनसे जितना दूर हो गए ना उतना अच्छी चीज़, आजकल लोग अच्छी चीज़ नहीं बताते, बुरी चीज़ जल्दी बताते हैं, तो इनसे दूर होने की जरूरत यही है, घर का खाना और स्वच्छ खाना, दूध घी का यही खाओ ना। तो ये थे हमारे साथ कुछ ऑर्गेनाइजर और इस कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाले कंटेस्टेंट। तो नेशन लाइव हमेशा से ही चाहेगा आपके सामने हमेशा से ऐसे इवेंट लेकर आएगा और आगे लोगों को प्रोत्साहित करता रहेगा कि किस तरीके से स्वस्थ रहें और अपने आप को हेल्दी रखें। मैं दिव्या पांडे, कैमरामैन रोहित जोशी के साथ, धन्यवाद।